हरियाणा के नूहू में जो 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, आज उसको 2 हफ्ते से अधिक हो गए हैं। इस बीच हरियाणा के अन्य जिलों में भी हिंसा फैली थी, लेकिन उसके बाद कई सारे संगठन जो हैं इस हिंसा के दौरान जो तनाव की स्थिति उसे कम करने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जबकि कुछ संगठन आज भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, खासतौर पे वो संगठन जिन पर हिंसा के आरोप रहे हैं। और ये जो पूरा मेवात का इलाका है वो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से 31 जुलाई की हिंसा होती है नल्लड़ मंदिर के पास से, जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद प्रशासन लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां कर रहा है। और कल मंगलवार 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से एक मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन दोनों तरफ से गिरफ्तारियां कर रहा है, लेकिन दोनों तरफ के लोगों का आरोप प्रशासन पर यह है जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और खासतौर पर जिस तरह से नूह के अंदर इस हिंसा का बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण के नाम पर बड़ी संख्या में 1000 से अधिक घर और दुकानों को डिमोलिश किए गए, उसके लेकर भी लोगों में गुस्सा है। इस पूरे मेवात के इलाके को अच्छे से समझने वाले, आर्थिक राजनीतिक वहाँ की समझ रखने वाले और उस पूरे इलाके पे, और इसके साथ हरियाणा के खेती किसानी से जुड़े SKM के नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम इन सारों मसले पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जो डेलीगेशन वहाँ गया था, जिसने वहाँ लोगों से बातचीत करी और वहाँ एक तरीके फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करी, वहाँ अभी के हालात क्या हैं और इस पूरे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका असर हरियाणा के अन्य इलाकों पर क्या पड़ रहा है। पहले तो आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है सर, जो आपने समय दिया बातचीत के लिए। सर, आप 2 बार नूह मेवात इस हिंसा के बाद अलग अलग डेलीगेशन के साथ गए, एक बार मजदूर संगठनों के साथ और एक बार वामपंथी दल CPM के साथ, क्योंकि आप CPM से भी जुड़े हुए हैं। तो इस हिंसा के बाद जब आप वहाँ पर गए, तो इस पूरे घटनाक्रम को आपने कैसे देखा और अभी के वहाँ के हालात को आप कैसे देख पा रहे हैं? असल में मेवात में तो हम जाते रहे, आज से नहीं, पिछले 40-45 साल से हमारा आना जाना है वहाँ। विद्यार्थी टाइम से ही वहाँ आते जाते थे। वहाँ पहले मेवात यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, MISO कहते थे, तब से हमारा आना जाना था। हम SFI में काम करते थे, लेकिन अब जो ये घटनाएं घटी उसके बाद जो जाना हुआ, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं। और जो भी कुछ मतलब देखा उससे बहुत ही बुरा लगा, और ऐसा क्योंकि पहले कभी इस हद तक नहीं होता था। हमें ये तो मालूम था कि तमाम तरह की वहाँ साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वहाँ पे, सांप्रदायिक आधार पर इस तरीके से पंचायतें वगैरह का भी आयोजन पिछले दिनों से होता रहा है। लेकिन अब जो देखा उसमें, तो दोनों बार में गया तो वो कर्फ्यू की स्थिति थी, और कर्फ्यू के बारे में मैं ये विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, कर्फ्यू तब लगाया जाता है जब लोकल कोई अलग अलग फिरके आपस में दंगे में शामिल हो जाएं। यहाँ के कोई आपस में फिरके का दंगा नहीं है, वहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं है लोकल स्तर के ऊपर। जो लोग बाहर से गए थे 31 जुलाई को, और जो भी वहां पे दंगा वंगा करने का योजना थी वो हो गई, उसके बाद वो तो आ गए, फिर कर्फ्यू की क्या जरूरत? एक सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, कर्फ्यू वहां लगाया गया इस वजह से कि वो उस पूरे इलाके को दंडित करना चाहते थे, पनिश करना चाहते थे, और इसीलिए ये जो 1000 के करीब जो एस्टेब्लिशमेंट, चाहे दुकान थी, घर थे, खोखे थे, उनको जो बुलडोजर से जमींदोज किया गया, गिराया गया, इसके लिए भी कर्फ्यू का इस्तेमाल करना था, क्योंकि घर से कोई निकल नहीं सकता ऐसी स्थिति में। और दूसरा ये था कि पूरे युवाओं को पकड़ पकड़ के वहां से कॉम्बिंग ऑपरेशन जैसे होते गांव-गांव में किए गए, और नौजवानों से अनेक गांव वहां पे खाली हो गए। अब ये जो तरीका, इसके लिए कर्फ्यू का इस्तेमाल करना, और इसीलिए मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने सबसे संज्ञान लेकर जो 2 पेज का आर्डर किया उसको रोकने के लिए बुलडोजर को, उसमें बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। एक दो एक जगह तो लिखा है
के जो स्टेट है यानी राजसत्ता, वो वहां पे एथनिक क्लींजिंग कर रही थी क्या? एथनिक क्लींजिंग का आप मतलब समझते हैं कि एक जातीय विनाश कह लो या उसको खत्म करना किसी नस्ल विशेष को, ये सवाल कोई हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया उसके अंदर। जो भी कुछ मीडिया में प्रेस में उन्होंने देखा पढ़ा उसके बाद ही तो स्वतः संज्ञान लेके किया है ये। और दूसरी, उन्होंने जो उसके अंदर एक टिप्पणी की है उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि आप जो है वहां पर जो एक अंग्रेजी में होता है ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसका भी उसके अंदर जिक्र किया है। तो ये टिप्पणियां वैसे ही नहीं की गई। अब एक स्थिति है ये जो कि एक ऐसे इलाके को जहाँ पे कभी भी दंगे वगैरह नहीं होते थे उसको इस तरीके से वहाँ पे ये नफरत करके और हिंसा बरपाई गई, तो वो जो देख रहे थे वो तो यही था कि लोग तो उपलब्ध है नहीं, जो विक्टिम है जिनकी दुकानें थी वो मारे मारे फिर रहे इधर से उधर इधर से उधर, जो भी कोई सुनने के लिए जाता है उसके सामने आके अपना दुखड़ा वो सुनाते हैं, और तो कोई लोकली सुनने वाला है नहीं। और जो एसडीएम है वहां के, जब वो डेमोलिशन हो रही है बुलडोजर के पीछे पुलिस के साथ वो खड़े हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर कर रहे हैं हम, और साथ में ये कह रहे हैं कि ये लोग दंगों में मुलव्वज थे, शामिल थे, मतलब दंगाई है, मतलब 1,000 दुकानें दंगाई होगी। ये इस प्रकार की बातें करना लोकतंत्र का खात्मा करके, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और कोई अच्छे परिणाम नहीं निकलते इसके। हो सकता है कि वो पूरे देश में इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि नूह डिस्ट्रिक्ट में और मेवात में सबक सिखा दिया वहां की जनता को, और ये जो तुष्टिकरण तुष्टिकरण करते हैं यही तो होता है तुष्टिकरण, और क्या है। प्रधानमंत्री लाल किले पे कह रहे थे कि तुष्टिकरण और परिवारवाद की राजनीति। अरे भाई, तुष्टिकरण यही तो है कि आप एक मेजोरिटी कम्युनिटी को एक संदेश देना चाहते हैं, उनका तुष्टिकरण कर रहे हैं आप। कोई राजनीतिक पार्टी माइनॉरिटी का तुष्टिकरण किस लिए करेगी? जो 20-30% लोग हैं उनका कोई क्यों करेगा? वो जो 70-80% है कोई करेगा तो उन्हीं का करेगा जो बीजेपी कर रही, वही इसलिए तो, वो अपने सब। कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश बीजेपी इसके थ्रू कर रही है आप लोगों के हिसाब से। या बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है, और तो कोई दूसरा उसका कारण नजर नहीं आता। वो सोचते हैं क्या है, इसकी 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वो पहले ही विपक्षी कांग्रेस के पास है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, मतलब वो लोग तुम्हारे खिलाफ। ये इस मतलब तंग नजरिए से, इस नैरो विजन के साथ चीजों को देखना बहुत ही अफसोस की बात है। जैसे आप लोग बातचीत में अपने प्रेस रिलीज में भी कई बार प्रशासन पर सवाल उठाए, और अभी भी बातचीत की शुरुआत आपने वहीं से करी जहां प्रशासन सरकार एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे। इसी तरह का आरोप गुड़गांव या फरीदाबाद में जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारियां करी हैं उसको लेके जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उनका कहना जो हमारे लोगों को एक तरफा उठाया जा रहा है। तो ये आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, है ना? तो अब इसको आप कैसे देखते हैं, प्रशासन की भूमिका एक तो दंगे से पहले किस तरीके से थी, दंगे के दौरान, और उसके बाद जो अब गिरफ्तारियां या कार्रवाइयां होती हुई दिख रही हैं, जैसे कल बिट्टू बजरंगी जिस तरह से गिरफ्तार हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है उसकी भी, तो ये सारे मसलों को आप कैसे देखते हैं, जो पुलिस प्रशासन का रवैया दंगे से पहले, बाद में और वर्तमान में भी? पुलिस का जो प्रशासन है ना, वो वही कर रहा है जो करने के लिए उनको कहा गया है। अब आप एक बात देखिए, ये जो नाम ले रहे हैं बिट्टू बजरंगी, पता नहीं कैसे कैसे थे ये लोग, वो 2 दिन 3 दिन से मतलब बहुत ही भड़काऊ वीडियो जारी कर रहे थे, और वो मोनू माने सर,
बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल है पूरी कम्युनिटी के लिए, तब क्यों नहीं पकड़ा, तब क्यों नहीं रोका गया उनको? और परसों की बात है, यही बंदा पुलिस ने थाने में बुलाया था और जमानत दे के छोड़ दिया। थाने में जमानत उन मामलों में मिलती है जो बहुत ही मामूली कास उन्हीं के होते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि थाने में बुला के जमानत पे छोड़ दिया। अब वो पूरा जो इतना धराशायी और पूरा घमासान करने के बाद, ये जाहिर है कि कुछ भी ना करें तो मतलब कोई चीज कन्विंस नहीं होती, परंतु आज के दौर में वो वाले अफसर नहीं है जो अपनी मर्जी से उस संविधान की जो शपथ खा के नियुक्तियां लेते हैं, वो कुछ ना कुछ मतलब जायज ढंग से और न्यायप्रिय ढंग से अपना कर्तव्य अदा करते हैं। वो अब नहीं रही है बात, अब तो मतलब अफसरशाही को अगर झुकने को कहा जाता है तो वो लेट जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति बहुत ही दुखदाई है, ये लगभग पूरे जगह पे ऐसा हो रहा है। तो कोई एक आध उन्होंने पकड़ा वकड़ा है, लेकिन वहां तो सैकड़ों की संख्या में न केवल पकड़ रखे हैं, थर्ड डिग्री यूज किए टॉर्चर, जिसको प्रताड़ना कहते हैं, यातनाएं देना कहते हैं, वो यातनाएं दे दे के भी कुछ छोड़ा गया है, पैसे बनाए जा रहे हैं। मतलब गांव के गांव यार, ये कोई बात थोड़ी ना है कि भाई आप खाली करवा लेंगे। गांव के मुखबिर छोड़ रखे हैं, हर गांव में मुखबिर बिठा रखे हैं, इन्फॉर्मर नहीं होते, वो अपनी मर्जी से किसी से खुंदक करनी है, किसी से पैसा बनाना है, वो मतलब पुलिस को कह देंगे और उसी को उठा लेते हैं। ये कुछ हो रहा है वहां पे जो हमें बताया गया। लेकिन जैसे आप बता रहे, आप नूह की वो बता रहे घटना, लेकिन जैसे नूह में एक तरफा वायलेंस, सरकार के जो समर्थक लोग हैं ना, कहना है जो नूह में जो वायलेंस हुआ वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुआ था, इसलिए कार्रवाई मुस्लिम पक्ष के पे हो रही है। बाकी गुड़गांव फरीदाबाद में जो वायलेंस हुआ वो एक तरफा हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पे की, साफ दिखता था वहां के वीडियो से और बातचीत में भी ये बातें लगातार सामने आती रही हैं। तो वहां जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो हिंदू मॉब्स की और हिंदू तरह के लोगों की हो रही है, तो वो दोनों तरफ से ये आरोप लगना प्रशासन पे जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है वो कितना जस्टिफाई है? और क्या आपको लगता है जो वहां पे जो नूह में गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि घटना तो वहां हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई है, तो वो प्रशासन की जांच के बाद ही आएगा, उनका ये कहना है, उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर आमने सामने की बात करें तो निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की, अगर आमने सामने की कोई वारदातें हैं तो वो नूह की ही है। बाकी मतलब चाहे वो सोना है, तावड़ू है, पलवल है, या फरीदाबाद है, गुड़गांव है, वो तो एक तरफा है। अब इसको कैसे न्याय उचित ठहराएंगे कि भाई मस्जिद के अंदर जाके और गोली से उड़ा दें? कितना आपके अपने धर्म में कितनी आस्था होगी यदि आप एक धर्म के साथ इस प्रकार की बात कर सकते हैं? तो मैं पूछ रहा हूँ फिर आतंकवाद क्या होता और क्या, जबकि गुड़गांव जैसी जगह जहां पर इस प्रकार के उकसावे की कार्रवाइयां पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही, वही आदमी, और ये जी मालूम है कि ये संवेदनशील जगह है, तो आप एक धर्म स्थल को मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कैसा हो? लेकिन हम चलो नूह पे आते हैं, ठीक है ना। अब खुद उनके सेंटर में मिनिस्टर है राव इंदर जी, जी वहीं के स्थानीय भाजपा के सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा के अंदर हथियार ले जाने का क्या मतलब है, और वो हथियार लहराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस शिकायत के ऊपर, अभी मुझे पक्का नहीं पता लेकिन मीडिया से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई महिला पुलिस ऑफिसर हैं, उनका बयान है FIR में कि मेरे सामने तलवारें लहराई गई हैं मैंने और रोकने की इस कोशिश बंदे, करी, माने नहीं। अब आप बताइए, तो जब जो पुलिस से जो नहीं रुक रहा है तो वो हथियार किसी पे तो इस्तेमाल करने के लिए ही लेके गए होंगे, ये तो कोई दिखाने की वैसे तो चीज है नहीं। आप पूजा करने जा रहे हैं भाई, चुपचाप जाके, हमने ऐसा तो जल अभिषेक में तो जल लेके जाते होते हैं, तलवार और बंदूक थोड़ी लेके जाते। तो वो उस ये
ये यहाँ कोई जाने का मतलब नहीं था, अब तो ये सारी चीज मीडिया में आ गई। 2-3 साल से इन्होंने शुरुआत की है ये, जी, वरना तो वहां पे ब्रज 84 कोसी परिक्रमा बोलते हैं, आपने सुना होगा, वो सावन के महीने में निकलती है और मेवात के गांव से भी जाती। ये पूरा ब्रज क्षेत्र है, इसमें आप मेव मुस्लिम या हिंदू की बात नहीं है, सारा एक रहने वाला है, जिसको सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, उस तरीके की बुनतर है वहां। तो वो मेवात से भी गुजरती है और लोग मतलब मेव मुस्लिम ही प्रबंध करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, मस्जिदों में रुकते हैं, लोग घर खोल देते हैं अपने। ये वहां पे होता रहा, वो उसको तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई परंपरागत धार्मिक मतलब एक यात्रा है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से खास पर्पज के लिए गई थी और कह के गए हैं वो, उनके तो वीडियो बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं तैयार हो जाओ। तो जाहिर है अब आ रहे हैं तो कुछ किया भी होगा वहां। अब ये बात तो बुनियादी तौर पर जांच करने की है, जांच वो करवाना नहीं चाहते, वरना इतनी बड़ी हिंसा जिसको ये कर, 6-7 लोगों की जान चली गई, इतना बड़ा कांड हो गया, देश में दुनिया में इसके ऊपर चर्चा हो रही है और वो कोई जांच नहीं कर। वरना तो अगर सिटिंग जज, अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे तो ये चीज सामने आ जाएंगी कि ये यात्रा थी क्या वास्तव में, और क्या करने के लिए वो गए थे, और जो करने के लिए गए थे वो उन्होंने वहां पे कर दिया। वरना तो ये देखो कांवड़ यात्राएं आपने देखी होगी, कांवड़ यात्राएं मेवात से भी जाती हैं, कभी कोई किसी को टोकता नहीं, छेड़ता नहीं, बल्कि उनको सुविधाजनक उनको वो कुछ ना कुछ बल्कि सहायता प्रदान करते हैं। मेवात का ये बिल्कुल भी इतिहास नहीं है, वहां परंपरा और रिवाज ऐसी नहीं है कि आपस में कोई लड़ पड़े वहां पे। तो अब एक तरफा की तो कोई बात ही नहीं है, जब बाहर तो कोई दंगा ही नहीं, बाहर तो एक तरफा कार्रवाई हुई है, तो एक तरफा ही कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, मस्जिद में जाके गोली से मार दिया, तो 4 आदमी वो पकड़े गए। अब पता नहीं, वो तो जांच से पता चले 4 ही तो नहीं थे, जाहिर है कुछ जी ज्यादा ही रहे होंगे, 4 होते तो 2 पुलिस वाले भी बहुत होते। तो ये बात है, इस तरह का आरोप तो उचित नहीं है। अब वो तो पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं कि अब नू डिस्ट्रिक्ट को तोड़ दो खत्म करके, और इस इलाके को यूपी में मिला दो, योगी इलाज कर देगा है? और अब इस बात को लेके खट्टर साहब ये साबित करना चाहते हैं मैं योगी से कम नहीं हूं। ये जैसे बात जो बात बता रहे हैं, जो वहाँ एक जो राइट विंग ग्रुप जो या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जुड़े लोगों ने भी पीछे जो पलवल में महापंचायत भी करी इसको लेके, वो ये बताना चाहते हैं जो ये मुख्यमंत्री जो हैं वो इनके में इस तरह की क्षमता नहीं जो रोक पाए, तो वो अपने मुख्यमंत्री को ही बदलने की एक तरह से मांग भी उस पंचायत में तो कई सारी डिमांड आई दोबारा से यात्रा करने की। और लेकिन जैसे आप एक पंचायत इस तरह की हो रही है, दूसरी पंचायतें या समर्थन में खाप या किसान संगठन या आप लोग भी गए थे, तो ये इसको समझने एक चीज जो ये घटना हुई इसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है हर दंगों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करने की कोशिश होती है, तो क्या इसका असर हरियाणा के आम समाज में आपको दिखता है? जो बंटवारा करने की कोशिश थी क्या वो कामयाब होती दिख रही है आपके अनुसार, या फिर आम जनता ने इस तरह के प्रायोजित या आपके तौर पर कथित प्रायोजित जो हिंसा है उसको जनता ने खारिज किया है, और इस तरह की पंचायतों में भी जैसे पलवल में हुई तो कई सारे पाल जो पंचायत थे उन्होंने सरपंच चुनाव से मना कर दिया, तो इसका व्यापक असर आप हरियाणा में कैसे देख पा रहे हैं? ये ना असल में लंबी रणनीति का हिस्सा है, ये जो 31 जुलाई की जी घटना है, इससे पहले भी इन्होंने हिंदू महापंचायतें की हैं और बड़े भड़काऊ भाषण दिए, कत्लेआम तक करने के, FIR दर्ज नहीं करते, कमाल ये, हाईकोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है, सोना के पास ऐसी हुई 2 साल पहले, कंप्लेंट हुई उसकी, FIR नहीं कर रहे, सरेआम भड़काऊ यानी कत्लेआम से कम क्या होगा, बिल्कुल छोड़िए। लेकिन ये एक रणनीति है कुल मिलाकर के, वो मेवात के भीतर तक सीमित नहीं है, इसका पूरे देश से ताल्लुक है, ध्रुवीकरण करने का, कम्युनल पोलराइजेशन। वो धार्मिक आधार पर कम्युनल पोलराइजेशन करने की दिशा में ये जो एक चरण था,
इस चरण में वो कामयाब हो गए, ये सच्ची बात, हिंसा करवाने। लेकिन जो अगले चरण थे उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए उनको सबसे ज्यादा हताशा ये है कि इसका समर्थन क्यों नहीं हुआ, वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण क्यों नहीं हुआ। अब लोग समझते हैं इस बात को, किसान आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिलाएं तमाम और इवन दूसरी सर्वजातीय समर्थन उसको मिला था, उससे अनुभव से लोगों ने सीखा है। मेवात के अंदर भी बहुत बड़ा एक सुनहरा बॉर्डर था जहां पे मैं, और शाहजहां बॉर्डर के ऊपर वहां के स्थानीय बीजेपी लोगों ने जब शुरू में लगने लगा वहां पे पड़ाव तो उसको उखाड़ने की कोशिश की, तब मेवात के किसान उठ के आ गए थे और उन्होंने स्थायी तौर पर वहां अपना तंबू लगा लिया था। फिर ये सब जी समझते हैं लोग, तो अगले चरण में ये नहीं कर पा रहे। और इनके लिए अब कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई ये मतलब मेवात को इन्होंने क्यों छांट रखा है, इनको उस हर एक चीज से नफरत है जिसको सारी कम्युनिटी मानती है। जहां पे 80% 75% मुसलमान हैं और दंगा नहीं हो रहा, तो ये इनकी बहुत बड़ी तकलीफ है, ये अवरोध क्यों है। इन्होंने देखो मजारों को तोड़ते हैं, ऐसी मजारों को तोड़ते हैं जहां हिंदू मुसलमान दोनों मानता करते हैं, दोनों इबादत करते हैं वहां जाके। और यहाँ भी एक मजार को तोड़ा था इन्होंने जब ये 2 साल पहले यात्रा लेके गए थे नलड़ वाले मंदिर में, उसके मजार को बगल तोड़ में ये के आए मजार थे। है। हाँ, तो ऐसी मजारों को मतलब दर्जनों मजारों को इन्होंने हरियाणा में अलग अलग जगहों के ऊपर, अब नहीं तोड़ने देंगे लोग, अब नहीं मस्जिद को हाथ लगाने देंगे, क्योंकि अब वो अलर्ट हो गए कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तुम्हारी एकता को तोड़ेंगे ये। अब वो ये भी समझने लगे कि ये कारपोरेट फूट डाल के लूटना चाहता है, तो लूट और फूट दोनों जुड़ी हुई रणनीति का हिस्सा है इनकी। मतलब अगर वो फूट नहीं डालेंगे तो लूट नहीं कर सकते किसान मजदूर की, और अगर लूट करनी है तो फूट डालनी जरूरी है। अब फूट वो धर्म की डाल सकते हैं, इलाके की डाल सकते हैं, और जातीय ध्रुवीकरण भी करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर। अब इस चीज को भी लोग समझने लगे, तो ये कोई चीज की आप कह रहे हो ना, परसों जो पंचायत हुई वहां, आप मैं पलवल में बता रहा हूं मेवात के पूरे इलाके में कभी भी मजहब के नाम पर कोई पंचायत नहीं, कोई मुस्लिम पंचायत नहीं हुई आज तक, हिंदू पंचायत नाम से करना लोग पसंद नहीं करते। इसलिए इन्होंने जो हिंदू महापंचायत उसको कहा और खाप का नाम लिया, कल के अखबारों में ये बात साफ आ गई कि जितने भी वहां बरादरी की पंचायतें हैं उसको पाल कहते हैं, जैसे जी। खाप कहते हैं ना वहां पाल बोलते हैं, वो इकट्ठी हैं हिंदू मुस्लिमों की। तो जो आदमी कह रहा मैं 52 पाल का प्रधान हूं जिसने ये आयोजन किया, उन्होंने कह दिया इसका कोई लेना देना नहीं 52 पाल से, ना ये प्रधान है ना कुछ भी है, और ये शरारत करने के लिए ये किया। देखो कितनी लोगों में समझ बढ़ रही है। उन्होंने ये कहा कि कोई आदमी नहीं जाएगा 28 तारीख को दोबारा, जो कह रहे हैं ना यात्रा निकालने के लिए, ये उन्होंने अपील की है लोगों से कि बिल्कुल झांसे में मत आना। और बल्कि वो खुद वहां पर एक सद्भावना की पंचायत करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इतनी रोचक बातें हैं वहां पर, यानी कितने गांव मैंने वहां ऐसे देखे हैं जहां पर मेव बहुल है, वो गांव 90% मेल है, वो घाटमी का राजस्थान का गांव जहां पे हम गए थे जो जुनैद और नासिर की हत्या नासिर हुई के थी, हफ्ते के बाद उस गांव में 3 घर हैं बनिया समुदाय के, और वो सरपंच खुद हमारे से मिलने आए, उन्होंने ये कहा मैं बनिया हूँ, 3 घर हैं हमारे, लगातार मेरे को सरपंच बनाते हैं यहाँ के, बाकी सब मुस्लिम। मुस्लिम्स ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर थोड़े 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 घर हैं बिल्कुल वहां इसके, और उनके जो चौधर कहते हैं कई गांव ऐसे हैं जो हिंदू गांव ही हैं, उनकी चौधर मुस्लिम गांव के अंदर है, तो कोई उनमें अगर ऐसा विवाद हो जाए जो हल नहीं हो, तो वो उस मेवात मेव गांव से मुस्लिम गांव के चौधरी आके उसका समझौता करवाते। ये है, अगर वो ये पुराने टाइम से
चला आ रहा है, मतलब बहुत देशभक्त लोग हैं वहां के, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, बहुत ही सुनहरी इतिहास है उनका। इसके बावजूद भी आप ये देखो ना, पिछड़ा रखा गया। कुछ साल पहले देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में नूह डिस्ट्रिक्ट का नाम था। क्यों भाई? हरियाणा में तुम तो कह रहे हो बहुत प्रगति कर लिए, तो वो हरियाणा का क्या हिस्सा नहीं है? फिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है? मेवात के अंदर मैं आपको बताता हूँ, किसी सरकारी कर्मचारी की बदली हो जाए ना, वो सोचता है तेरे को पनिशमेंट दी गई है, मेवात में भेज दिया। लेकिन पुलिस वाले ज्यादातर ये चाहते हैं मेवात में पोस्टिंग हो जाए हमारी। ये इस तरीके की स्थिति है। जैसे आप ये बात बता रहे मेवात के, आप तो बहुत, आप स्टूडेंट लाइफ से, आपने जैसे बताया आप जाते रहे मेवात को, समझते हैं बेहतर तरीके से, तो एक संक्षेप में हम जरा समझाने की कोशिश करें जो वहाँ की आर्थिक सामाजिक तानाबाना किस तरीके का है, वहाँ के जो किसान है या खेती किसानी जुड़े हुए लोग हैं उनकी अपनी किस तरीके की समस्याएं हैं, और पिछले बीते दिनों में उसमें क्या बदलाव कुछ हुआ है क्या, या उस पर कोई एक हमला बढ़ा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे बात ये है यार, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कुंवर मोहम्मद अशरफ का नाम सुना होगा, डॉक्टर के एम अशरफ, जाने माने हिस्टोरियन हुए हैं हिस्टोरियन हिंदुस्तान के, पूरे दक्षिण एशिया के, कॉमरेड अब्दुल हई, बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं ये, उनकी ये कार्यस्थली रही है। डॉक्टर अशरफ जो हैं वो अलीगढ़ से थे, और अब्दुल हई साहब गुड़ावली गांव है, इधर ही पड़ता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन वो मेवात का हिस्सा है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए यहाँ पे, और गांधी जी जो आए थे घासेड़ा गांव में, जब पार्टीशन हुआ 47 का, जी, ये ऐतिहासिक तो उन्होंने, यानी उनको उखाड़ने की कोशिश कर रही थी कुछ सांप्रदायिक ताकतें, कि ये क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते? वो बोले हम क्यों चले जाए, हमारी सरजमी है, हमने कोई पाकिस्तान मांगा है, हम जिन्हें मांगा वो जाए ना जाए हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ के यहीं रहेंगे, यहाँ के लिए लड़े। और हसन खां मेवाती जो है इतना बड़ा नाम है, ये जो मेडिकल कॉलेज ना लड़का नलड़ जहाँ पे मुस्लिम ये के पास, डेमोलिशन, वो हसन खां मेवाती मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, बहुत ही रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। आपको हैरानी होगी, बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया उन्होंने, और बाबर ने ये कहा उनको कि तेरा और मेरा तो दीन एक है, तू राणा सांगा के साथ क्यों दे रहा है, तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। उन्होंने ये कहा हसन खां मेवाती ने कि मैं अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, दीन बाद में आएगा, वतन बचेगा तो दीन बचेगा, और वो शहीद हो गए उसके अंदर उस लड़ाई में। ये जो ठेकेदार बन रहे हैं ना आजकल, जो हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अरे कोई लेना देना नहीं, ये वो लोग उनकी, मतलब अगर आज कोई देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये उठा रहे जिस जो जो अंग्रेजों के वफादार थे उनके साथ थे। एक आदमी ने वहां पे मेरे को शेर सुनाया है, वहां पे मैं गया हुआ था, उन्होंने कहा नौरंगे सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगे सियासते दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। आज वो सत्ता में बैठे हैं जो आजादी में कहीं भी नहीं थे, और वो मतलब उनकी देशभक्ति के ऊपर वहां कोई कहे मिनी पाकिस्तान है ये, कि कहां तक कोई मतलब जाए, ये स्थिति बननी चाहिए थी क्या वहां पे? तो वो जो कृषि की आप बात कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, कृषि प्रधान जिला ही है, लेकिन कृषि का विकास नहीं है, विकास ना सड़कों का है, ना तालीम का है, ना स्वास्थ्य का है, ना सिंचाई का है, ना पीने के पानी का है, खेती का तो कहाँ होना था, इसलिए वो पशुपालन पे निर्भर है। और ये जो कह रहे हैं उनके ऊपर जो गौ हत्या का आरोप लगा रहे हैं, अब पता भी चल जाएगा कौन गौ तस्करी कर रहा है, और जो उनके ऊपर जो आरोप लगता है, गौ पालक जो है वो तस्करी क्यों करेगा भाई? पहलू खां, रकबर खां, वो तो खरीद के ही लाए थे, उनके पास तो रसीद थी जयपुर के पशु मेले से, जिनको लिंच करके मारा, किसी
किसी की सजा हुई क्या? सबके घरों में गाय बंधी हुई है वहां पे, तो वो पशुपालक हैं बेसिकली, क्योंकि एग्रीकल्चर का और ज्यादा विकास होता तो और भी फसलों वगैरह की बहुत अच्छी वो हो जाती है। और आपको बताऊं मैं, वो ब्रज का होने की वजह से वो कृष्ण के साथ अपनी वंशावली जोड़ जोड़ के मानते हैं, क्योंकि जी जी कृष्ण का भी गऊ के साथ ताल्लुक है। तो अब ये वो चाहते हैं कि भाई क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इसका दानवीकरण कर दो, इसकी छवि खराब कर दो मेवात की और मेव की, तभी तो कोई उससे नफरत करेगा ना। यस अगर उनका अच्छा शानदार इतिहास सामने आएगा, अगर उनकी देशभक्ति सामने आती है, अगर मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति। मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैंने मुझे हंसी भी आई, 1940 के आसपास कोई अंग्रेज सेंसस करवा रहे थे, उस खबर में लिखा हुआ है कि वो अंग्रेज जो सेंसस करवा रहा था मेवात की, उसने ये लिखा कि यहाँ के 40% लोगों को ये नहीं पता उनका धर्म क्या है। ये और यही बात लगभग बाकी किसान के जो समुदाय हैं, चाहे हरियाणा के राजस्थान के, वो उस तरीके का आडंबर नहीं करते, कोई कोई अंधविश्वास के लेवल तक जाके धर्म का वो नहीं मानते, वो उनकी अपनी जो धर्म है उनका धंधा है वो गाय के, इसीलिए मतलब उनके मन में जो श्रद्धा है गाय के प्रति, क्योंकि बैलों से ही खेती होती थी और गाय जो है दूध भी देती थी और बछड़े भी देती थी जो बैल बनते थे, तो जाहिर है उसका संरक्षण तो करते ही थे लोग। मतलब आज जो ये बने हुए हैं गौ रक्षक, किसी के घर एक बछिया नहीं मिल सकती, अगर इनको गाय की हो तो सड़कों के ऊपर कचरा खाती हुई नहीं घूमती, लाखों की संख्या में गाय। अरे भाई तुम्हारी सबसे बड़ी, कहते हैं हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो तुम एक एक आवारा पशु को बांध लो तो गायों की ये दुर्दशा तो ना हो कम से कम, अगर तुम्हारी वास्तव में है तो। लेकिन है नहीं, उसका भी राजनीति के लिए इस्तेमाल वो कर रहे, ये है स्थिति वास्तव में। तो इस बार मैं ये कह रहा था, इनको सबसे ज्यादा सदमा ये लगा है कि ये समर्थन क्यों नहीं मिल रहा, और लोग अपने आप ही इकट्ठे होके कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल भी किसी तरीके के उसमें आने वाले नहीं है। 9 तारीख को बासगांव हिसार के जो पंचायत हुई वहां पर मैं मौजूद था उसके अंदर, वहां पर जब वो आयोजक ने प्रस्ताव पेश किया, खड़े होके उस प्रस्ताव की एक एक लाइन के ऊपर उन्होंने ओथ ली है, एक तरह से सौगंध लेके कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम अपनी एकता को मजबूत करेंगे और किसी भी धर्म या किसी भी जाति विशेष के खिलाफ किसी तरीके की नफरत जो है वो नहीं फैलने देंगे। उसमें काफी मुस्लिम समुदाय के लोग थे और जिस टाइम पे वो पहुंचे थे वहां, सबने भारी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया, दूसरे भी किसान समुदाय के लोग वहां पर थे, ये इस बात को दर्शाता है। और ये एक जगह नहीं, हमारे यहाँ लगभग सभी जिलों में सद्भावना की यात्राएं निकली थी, संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठन, मजदूरों के, महिलाओं के, और अब तमाम शहरों में ऐसी एकता की पंचायतें हो रही हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जहां वो मतलब दूसरे समुदाय के लोगों को भी बुलाते हैं बैठ के और मतलब रल मिल के आपस में अपनी बातचीत करते हैं। ये एक सकारात्मक चीज सामने आई है, इसलिए उसमें जरूर वो सफल होंगे। ऐसा लग रहा है कि अब ये जो संदेश है भाईचारे का और सद्भावना का, ये भारी पड़ रहा है नफरत वाले संदेश के ऊपर, सर, तो आखिरी में ऐसा। सर, क्योंकि समय का भी वो है, तो आखिरी में जब एक समय एक कुछ पंचायतें ऐसी हो रही हैं जो समाज में नफरत बढ़ाने का काम कर रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसी 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 पंचायतें भी हो रही हैं, होनी भी चाहिए, जो समाज में एक भाईचारे को बढ़ावा दे, तो क्या आप लोगों की तरफ ज़्यादा इसका दबाव या जिम्मेदारी है कि इस तरह की नफरती पंचायतों को आप लोग रोकें या उसके खिलाफ भाईचारे को बढ़ावा दें? तो आगे आप लोगों की संयुक्त किसान मोर्चा या किसान संगठनों मेहनत कमेटी क्या जिम्मेदारियाँ आप लोग समझते हैं? बहुत सही सवाल किया है। असल में मैं जो कह रहा था ना कि जातीय ध्रुवीकरण भी करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, जी ये
हमारे यहाँ बोलते हैं सब कोई इकट्ठे होके बोलते हैं 36 बिरादरी, जी 36 जात बोलते हैं ना, तो ये करना चाहते हैं 35-1, कि 35-1 तरफ हो जाए और एक जाति के खिलाफ उनको लामबंद कर लिया जाए। ये चुनाव में इन्होंने करके देखा है कुछ हद तक, लेकिन अब हालत क्या है आप देखिए, तमाम हिस्से जो हैं वो महंगाई से, बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नशाखोरी फैलने लग रही है, इससे चिंतित हैं लोग। तो जी चाहे वो ट्रेड यूनियन है, चाहे मुलाजिमों के संगठन है या किसानों की, अब तो आने वाला ये जो आगे का दौर है इसमें इकट्ठे होके ये संघर्ष कर रहे हैं इन चीजों के लिए, और उनको ये एहसास होने लगा कि हम धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण की बात है या जाति आधार पर, ये नहीं होने देंगे। इस तरह के आह्वान एसकेएम के भी हैं आने वाले समय में। तो आप देखो कि हरियाणा सरकार ने कोई भी तबका जो भी आंदोलन करने के लिए सामने आया उसी की पिटाई की है, जी सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाई, चुने हुए प्रतिनिधि ताजा ताजा बताओ वो कोई भ्रष्ट थे, उनके ऊपर रोक लगा दी कि आप 2 लाख से ज्यादा के विकास कार्य नहीं कर सकते, और उनके ऊपर जगह जगह लाठीचार्ज। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारियों ने किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज। ये जो हमारी लड़कियां महिलाओं के जो स्कीम वर्कर्स हैं आज भी हड़ताल पे हैं, कई हजार आशा पहले आंगनबाड़ी की थी, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही सरकार, और किसानों की कितनी तबाही हुई है, फसलों के 4-4 साल की फसलों के मुआवजे नहीं दे रहे, वो बड़ा गुस्सा है। तो ये रियल क्वेश्चन तो ये है लोगों के, और दूसरी तरफ से महिलाओं के साथ क्या, उन लड़कियों के साथ क्या किया, पहलवान लड़कियों के साथ, यह एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप है यौन शोषण का, और वो जो लड़की एथलीट जो संघर्ष कर रही है उसको ही सस्पेंड कर दिया कल, मंत्री की गिरफ्तारी या पद से हटाना तो दूर, इस प्रकार का तो ये प्रशासन है यहाँ का। तो सरकार ये समझती है कि हम विभाजन करके जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे ये करके और तब इलेक्शन जीत लेंगे। अब लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है कि किसान आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं ये कारपोरेट की सरकार है और कारपोरेट कम्युनल गठबंधन है ये, वरना आप बताइए गुड़गांव जैसी जगह कितना बड़ा आईटी का हब है, मजदूर छोटी सी हड़ताल कर देना तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जी निवेश मतलब निवेश नहीं आएगा पूंजी का, और ये खुद क्या कर रहे हैं वहां, सारा का सारा माइग्रेंट वर्कर को इन्होंने आतंकित करके वहां से भगा दिया। लेकिन वही कारपोरेट जो अपने ढंग से वहां पर चल रहा है वो सांप्रदायिकता से भी गुरेज नहीं कर रहा जी तो वो दो पैरों पे खड़ा है, आर्थिक शोषण भी कर रहा है और वो सामाजिक आधार पे भी बंटवारा करना चाहता है। तो हमारी लड़ाई भी आने वाले समय में बड़ा बड़े मंच हमें बनाने पड़ेंगे, जो आप कह रहे हो ना, इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं, अलग 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 आप अपनी जगह बैठ के, ठीक है आप मतलब अपनी एकता के प्रति चिंता प्रकट करें, मेल जोल से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, वो ठीक है, लेकिन एक ऐसा मंच बनाना पड़ेगा। ये तो ऑर्गेनाइज्ड है ये लोग तो, और जी इनके पीछे जो है वो प्रशासन है, तो जनता को भी इसके मुकाबले में ऑर्गेनाइज होके बड़े मंचों का इस तरीके का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें सभी तबके जो है वो जुड़ जाए। इंद्रजीत जी, आपने न्यूज़ क्लिक को इतना समय दिया और विस्तार से सारी बातें हमको बताई, जिससे हम ये भी समझ पाए जो मेवात की राजनीति कैसी है और मेवात का पूरा इलाका ऐतिहासिक रूप से किस तरह से रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन हम इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो नफ़रत के संदेश पर जो भाईचारे का संदेश है वो भारी पड़ा है, और उम्मीद है आगे भी इसी तरह से कायम रहे और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।